गाइज अभी सुबह का टाइम हो रहा है 5:30 और हम लोग कल रात को इसी बस में सो गए थे और 6 बजे इसमें से निकलूँगा बस से और फिर जाऊँगा पटना एयरपोर्ट के पास, वहीं पे IAS भवन है, वहीं पे ITI का काउंसलिंग है राजकुमार का और एक है मनीष का जो दिखाई नहीं। तो आज हम लोग पटना के गांधी मैदान में एंट्री कर लिए है। रात को तो एंट्री नहीं मिला था लेकिन सुबह में एंट्री मिल गया। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक भी हो रहा है, जंपिंग भी हो रहा है, आई कर रहा है वॉकिंग नहीं दे रहा। तो गाइज फ्रेश हो गए हैं सुबह से उठकर और आए हैं गांधी मैदान में। काफ़ी ज़्यादा लोगों का यहाँ पे भीड़ है, पीछे तो आप लोग उधर देखिए बहुत दूर में गांधी मैदान है। और ये मेरा पहला टाइम है गांधी मैदान में, वो भी सुबह का टाइम में। अभी 6:30 हो रहा है, 6 बजे 5:52 में शायद एंट्री किए थे हम लोग इसमें और फ्रेश हो गए हैं। उसके बाद में आए हैं इधर थोड़ा घूमने, तो चलिए उधर एक देख रहे हैं वहाँ पे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता का वहाँ पे एक प्रतिमा लगा हुआ है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और बता दूँगा कि इस गांधी मैदान में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और इतने ज़्यादा लोगों मतलब जॉगिंग करने के लिए आए हैं कि मत पूछिए। कम से कम लगभग यहाँ पे 5 से 6 हज़ार लोग होंगे और कुछ लोग योगा भी कर रहे हैं यहीं पे। तो चलिए पहले मैं आप लोग को दिखाते हैं महात्मा गांधी का जो यहाँ पे स्टेटू बना हुआ है वो दिखाते हैं आप लोग को, चलिए। तो गाइज हम लोग आ गए हैं वहाँ पे महात्मा गांधी के स्टेटू के पास, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं महात्मा गांधी का स्टेटू कैसा है। यहाँ पे लोग जॉगिंग कर रहे हैं वॉकिंग, 6 बजे का दिन है। यहाँ पे काफी बड़ा मूर्ति लगाया हुआ है महात्मा गांधी का। इस पैनल में गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ डांडी में नमक उठाते दिखाए गए हैं। कौन पैनल है, पैनल और दिखाई नहीं दे रहा है। फोटो को फ्रेश नाम दिखाई दे। इस पैनल में तकली और परंपरागत तरीके से सूत काटते गांव के लोगों के साथ गांधी चरखा चलाते नजर आ रहे हैं ऊपर वाला में। गाइज हम लोग निकल गए हैं गांधी मैदान से, ये 5 नंबर गेट है। तो गांधी मैदान का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि गांधी मैदान का वीडियो आप लोग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।